रवि बाबा जिंदा देव पे पहुंचे हैं और आपको यहाँ पे हम जल्दी जल्दी दिखाएंगे। यहाँ पे बताया है कि नागदेव महाराज से स्वयं श्रावण के महीने में और शिव मंदिर में यहाँ पे प्रकट हुए हैं और जा नहीं रहे हैं, तो मैं आपको सीधे लेकर के जा रहा हूँ। ये बाबा जिंदा देव धाम है यहाँ पे बोजवास में, और जहाँ पे मंदिर है उसी जगह पे आपको लेके जा रहा हूँ मैं, आपको नागदेव महाराज के दर्शन कराऊंगा। अभी लग रहा है पुजारी महाराज आरती कर रहे हैं और ये शिव मंदिर में आरती की जा रही है। यहाँ पर जो पुजारी रहते हैं, पंडित जी महाराज रहते हैं, आरती कर रहे हैं और यहाँ पे सीधे दर्शन अभी आपको दिखा रहे हैं कि ये पे बैठे हुए हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। दूध पीने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, पिछले सोमवार को भी आए, कल भी आए, आज सुबह भी यहाँ पे अभी अपन ये आए हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप सीधी हम आपको भोजवास के बाबा जिंदा देव आश्रम से कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, जो यहाँ पे शिव मंदिर भी है। महाराज नमस्कार। महाराज जैसे कि जो बता रहे हैं कि पिछले दो दिन से चमत्कार हो रहा है इस मंदिर में, शिव मंदिर है यहाँ पे और यहाँ पे पूजा कर अभी की है महाराज ने, तो पंडित जी महाराज हैं, तो वो क्या आश्चर्य है जो यहाँ पे है? पहले तो रामेश्वर जी, जी जी रामेश्वर ज्योतिर्लिंग नागेश्वर में, मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ अभी। अच्छा पहले मैं बात कर लेता हूँ, तो ये कब से आ रहे हैं? पिछले सोमवार को आया था। सिर्फ पिछले सोमवार को भी आए थे, कल भी आए हैं? कल भी सोमवार था, कल भी सोमवार था, कल नागेश्वर में आए थे। तो किसी को कोई नुकसान पहुँचा रहा है क्या? नुकसान तो कुछ भी नहीं पहुंचाया। आज भी सुबह देखा गया है, सुबह अभी निकला 4:30 बजे, सुबह 4:30 बजे आया है और अभी। तो महाराज ये कितना बड़ा होगा? लगभग करीब होगा 3.5-4 फुट, 3.5-4 फुट का, बिल्कुल किंग कोबरा ब्लैक। हाँ। अच्छा फनमन भी उठाता है क्या? बिल्कुल। दूध पीता है? दूध रखा है, दूध पीता भी है। तो चलो मैं आपको सीधी तस्वीर लेके जा रहा हूँ वहाँ पे, और मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ वही जो धाम उस जगह पे। तो आप दर्शन कर पा रहे हैं, ये है नागदेव महाराज जो यहाँ पे नागेश्वर जो है इस पर आए हुए हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, आप तस्वीर देख रहे हैं। अच्छा ये जिसमें से आ रहे हैं इसमें ये दूध के लिए, दूध निकासी के लिए जो दूध डाला जाता है, नलाया जाता है शिवलिंग को, तो उसका बाहर निकलने का रास्ता है ये आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ से ये आ रहे हैं धीरे धीरे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधी ये। अच्छा पिछले सोमवार को भी आया है और कल सोमवार को भी, आज सुबह भी, ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, बिल्कुल ब्लैक कोबरा है ये, ये धीरे धीरे आने की कोशिश कर रहा है। अच्छा दूध यहाँ पे रखा हुआ है, इस दूध को भी ये पीता है यहाँ पे। चमत्कारी मंदिर हो गया है अब ये, यहाँ पर स्वयं नागेश्वर महाराज यहाँ पे पहुँचे हैं इस मंदिर में, शिव मंदिर है। अभी ये बना ही था कुछ समय पहले, बन करके तैयार हुआ है और उसके बाद में यहाँ पे ये पहली बार नागदेव महाराज यहाँ पे देखे जा रहे हैं और ये एक तरह से चमत्कारी और इच्छा हो यहाँ पे आपकी।